खुर्संदी, शादमानी, शादी, खुशी के अय्याम, आप शादी की तकरीबात में शिरकत करते हैं, मौलाना हजरात भी मजलिस में यकीनन कहीं होंगे। मौलाना हजरात जब निकाह पढ़ाने जाते हैं तो जो निकाह का सीगा पढ़ने से पहले दुल्हन का वकील दुल्हन से जाके इजाज़त मांगता है, कभी इत्तफाक हुआ होगा आपका कि दुल्हन से आपके घरों में भी शादियां हैं, दुल्हन से इजाज़त लेने के बाद जब मौलाना निकाह शुरू करते हैं तो पूछते हैं कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। अगर कोई कहे जी रिसेप्शन पे हैं, इस्तकबालिए पर हैं, तो कहते हैं जी उन्हें बुला लीजिए, मैं निकाह शुरू कर रहा हूँ। उन्हें बुला लिया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है आपकी इजाज़त है आपकी बेटी का निकाह पढ़ा दूँ, और अगर वो ना आए या ना हों या कहें कि जी नहीं मैं इजाज़त नहीं देता, तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी लड़की का बाप ये कहे कि मैं इजाज़त नहीं देता, तो कभी किसी कोने से आवाज़ आज तक सुनी किसी ने कि किसी ने कहा हो कि कोई बात नहीं अब्बा इजाज़त नहीं दे रहे तो अम्मा से पूछ लीजिए। भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत ज़रूर है, मगर माँ वली नहीं है। थोड़ा 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 सा मेरा साथ दीजिएगा। माँ के पैरों के नीचे जन्नत ज़रूर है, मगर माँ के पास विलायत नहीं है। बाप इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर दादा से पूछा जाएगा, दादा इजाज़त नहीं दे रहे और बाप इजाज़त दे रहा है तो फिर भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दादा की बाप पर भी विलायत है। हाँ हाँ, ये शरई मसला ज़िमनन बयान हो गया। अगर दादा कह रहा है ना मैं राजी नहीं हूं और बाप राजी है, फिर भी मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि जो इजाजत दे रहा है उसकी विलायत छोटी है, जो इजाजत नहीं दे रहा उसकी विलायत ज्यादा है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने देखा हो कि कहा जाए कि माँ से पूछ लो, मगर माँ माँ है विलायत नहीं रखती।